How are you? I hope you all are fine. Welcome to my YouTube channel, that is Easy Learning with Munish Kumar. In previous lecture, we discussed all about rainbow and type of formation of rainbow, that is primary rainbow and secondary rainbow. Today is our last lecture of dispersion of light. That is, we talk about scattering of light and example of scattering of light. And one marks question, मतलब एक क्वेश्चन वहां से आपका आता ही आता है. सो क्यों ना हम जो है स्टार्ट करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट. स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यू ऑल्सो स्टडीड स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन 10th स्टैंडर्ड. बड़ा ही अच्छा सा कंसेप्ट होता है स्कैटरिंग. स्कैटरिंग का मतलब होता है बिखरना. कोई जब चीज होती है वो बिखर जाती है, ठीक है ना, अपनी डायरेक्शंस चेंज कर देती है. जैसे एक लाइट है, आपको पता है एक लाइट जो है आपकी डिफरेंट कलर में जो है आपकी स्प्लिट हो जाती है. स्कैटर मतलब फैलना, फैलाव आ जाता है. दैट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बेसिकली रिप्रेजेंट चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट. मतलब लाइट की जब डायरेक्शन डिफरेंट डायरेक्शन में चेंज हो जाती है जब लाइट, उसी को स्कैटरिंग होना बोला जाता है. जैसे कोई चीज ज्यादा स्कैटर कर जाती है, कोई चीज कम स्कैटर कर जाती है. बेसिकली एक लॉ था रेलिग्स लॉ. रेलिग्स लॉ ऑफ स्कैटरिंग, रेले जिसको रिले भी पढ़ा जाता है, कई रेलिग्स पढ़ते हैं, रेलेज भी पढ़ते हैं, तो अपनी अपनी प्रोनाउंसिएशन है, कोई दिक्कत नहीं है. तो रेलेज लॉ ऑफ स्कैटरिंग बोलता है कि जो अमाउंट होगा स्कैटरिंग का, मतलब कितनी कोई लाइट क्या कर रही है, स्कैटर कर रही है, उसको डिनोट किया जाता है IS से, या कोई भी आप और चीज यूज कर सकते हैं, कोई और टर्म. तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी वेवलेंथ के पावर 4 times, ठीक है. मतलब कि किसी कलर की जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतनी ही कम उसकी क्या होगी, स्कैटरिंग होगी. क्या होगी, उतनी ही कम उसकी स्कैटरिंग होगी. बट इसका भी आपको एक चीज ध्यान रखना है, ये कंडीशन आपकी तभी अप्लाई हो सकती है जब कोई स्कैटर करने वाला पार्टिकल का साइज, मतलब एक्स, जो चीज स्कैटर हो रही है उस पार्टिकल का साइज जो है उसकी वेवलेंथ लैम्डा से बहुत ही ज्यादा क्या हो, लेस हो, मोर लेस देन हो. ये आपका लॉ तभी अप्लाई किया जा सकता है, ऐसे एप्लीकेबल नहीं है. सो इट मींस इस लॉ से हमें पता चलता है जितनी कम वेवलेंथ उतनी ज्यादा स्कैटरिंग. मतलब कि अगर बात करते हैं विब ग्योर की, तो आपको पता है विब ग्योर में सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है, विब ग्योर में सबसे ऊपर होता है रेड कलर. कौन सा कलर होता है आपका, रेड कलर होता है. तो आपको पता है ये जो रेड कलर है बेसिकली ना, ये जो आपका रेड कलर आपको शो हो रहा है, रेड की आपको पता है वेवलेंथ तो इसकी क्या है, ज्यादा है. अगर वेवलेंथ इसकी ज्यादा है तो इसकी जो स्कैटरिंग IS होगा, अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग होगा, वो इसका क्या रहेगा, कम होगा. आप सीधा याद रखिए, दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. मतलब कि अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो क्या होगी, स्कैटरिंग क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी. मतलब आप यहां से कुछ समझ रहे होंगे कि अगर वायलेट की बात करें हम, वायलेट की वेवलेंथ तो बेटा सबसे कम होती है, तो जिसकी वेवलेंथ कम ये ज्यादा स्कैटर कर जाएगा. स्कैटरिंग आप समझ सकते हैं ना, जैसे रेत का लड्डू होता है, जैसे अगर आप उसको दीवार पर मारे तो वो पूरा टूट जाता है, फैल जाते हैं उसके डस्ट पार्टिकल. मतलब रेत का लड्डू, सैंड का जो लड्डू होता है, अगर आप उसे किसी दीवार पर मारेंगे तो उसके सारे डस्ट पार्टिकल क्या हो जाएंगे, आप उसके डस्ट पार्टिकल सारे जो हैं आपके पूरे फैल जाएंगे, स्कैटर कर जाएंगे. स्कैटरिंग का मतलब फैलना. तो इसी कारण जो वायलेट कलर होता है उसकी वेवलेंथ कम होने के बावजूद क्या होता है, वो कम होने के कारण उसकी वेवलेंथ वो स्कैटर ज्यादा कर जाता है. मतलब पूरा कलर ही बिखर जाता है, पूरी चीज आपको उसी कलर की दिखेगी, पूरे जगह पर वो फैल जाएगा. तो ये थी स्कैटरिंग ऑफ लाइट. नाउ वी स्टडी द एग्जांपल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट.
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और यहां से एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है आपका, सो प्लीज टेक इट सीरियसली. नाउ एग्जाम्पल क्या है, सबसे पहला एग्जाम्पल छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि जो स्काई होता है उसका कलर ब्लू क्यों होता है, मतलब कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है. ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्योंकि ब्लू कलर की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, कम होती है एज कंपेरिजन टू रेड से. तो ब्लू कलर क्या हो जाता है, पूरा स्कैटर हो जाता है, पूरे एटमोस्फेरिक पार्टिकल्स में ब्लू स्कैटर हो जाता है. अब आप सोचेंगे कि भाई साहब अरे सबसे ज्यादा तो वायलेट की होती है स्कैटरिंग, बट जो वायल अब देखो ना, आप सोचेंगे कि ये जो आपने ब्लू ही क्यों लिया, इंडिगो और वायलेट को हमने क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, बिकॉज ये जो हमारी आईज होती हैं, यहां नोट करके मैंने लिखा भी हुआ है, वायलेट कलर गेट स्कैटर्ड इवन, मतलब वायलेट कलर भी स्कैटर करता है, बट जो हमारी आईज होती हैं मोर सेंसिटिव होती हैं ब्लू के लिए एज कंपैरिजन टू वायलेट. ड्यू टू दैट पर्टिकुलर रीजन स्काई कलर ऑफ, मतलब जो ब्लू कलर होता है स्काई का वो ऐसा होता है, मतलब कि स्काई का कलर क्या होता है, ब्लू आपका होता है, वायलेट नहीं होता है. स्कैटर वो भी हुआ होता है बट हमारी जो आईज हैं वायलेट के कंपैरिजन में और इंडिगो के कंपैरिजन में ब्लू के लिए सेंसिटिव ज्यादा होती है. तो ये भी बस एक दो लाइन का काम होता है. और नेक्स्ट नेक्स्ट इज व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड, मतलब जो बादल होते हैं उनका रंग जो है सफेद क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, बेसिकली ये क्या कारण रहा होगा. तो बेसिकली क्या होता है, एक्चुअल में कुछ लोग सोचते हैं कि स्काई और बादल एक ही चीज है, बट बेसिकली क्या होता है, स्काई तो जो हमें ब्लू दिखाई पड़ता है वो बहुत टॉप पर होता है, ज्यादा हाइट होती है स्काई की एज कंपैरिजन टू अगर हम क्लाउड की बात करें तो क्लाउड जो है लोअर हाइट पर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप किसी हिली एरियाज में चले जाते हैं तो आप नीचे की तरफ देखते हैं तो आप देखते हैं कि बादल यार नीचे रह गए. बहुत टाइम आपने ऐसी चीज नोट की होगी, तो ऐसा क्यों होता है, चलिए इसका रीजन भी जान लेते हैं कि वो व्हाइट ही हमें क्यों दिखाई पड़ते हैं. देखो बेसिकली क्या होता है, द क्लाउड आर एट मच लोअर हाइट. मैंने आपको बताया कि क्लाउड्स जो होते हैं, जो बादल होते हैं वो उन कम हाइट पर होते हैं. दे आर सीन ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ एटमोस्फेयर, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, जो लोअर पार्ट होते हैं वहां से स्कैटरिंग उसकी ज्यादा हो जाती है. बोलने का मतलब है, देखो जैसे जो आपका ये मतलब हमारा सराउंडिंग जो एयर होती है उसमें बेसिकली क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, लार्ज डस्ट पार्टिकल होते हैं, और वाटर आपकी क्या होती है, ड्रॉपलेट्स भी होती है, वाटर ड्रॉपलेट्स भी होती है, आइस पार्टिकल भी होते हैं. तो बेसिकली क्या होता है, जो चीज छोटी होती है वो हमें दूर से दिखाई पड़ती है. तो बेसिकली से कारण क्या होता है, जो साइज ऑफ स्कैटर हो जाता है वो ज्यादा हो जाता है एज कंपैरिजन टू उसकी वेवलेंथ पर. मतलब कि यहां पर रेलिग्स लॉ अप्लाई या रेलेज लॉ अप्लाई नहीं किया जा सकता कि मान लीजिए जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी स्कैटरिंग कम, क्योंकि यहां पर पार्टिकल का साइज ज्यादा है एज कंपैरिजन टू इट्स वेवलेंथ, तो यहां तो वो लॉ नहीं अप्लाई हो सकता. तो हम कह सकते हैं कि जितनी भी वेवलेंथ्स होंगी वो नियरली इक्वली ही स्कैटर हो जाएंगी. बोलने का मतलब ये है, जैसे आपने क्या किया था, मान लीजिए ये प्रिज्म हमने लिया था, यहां से जो लाइट पास करवाई थी भाई साहब, अरे एक ही लाइट थी जिसको हमने नाम दिया था व्हाइट लाइट, बेसिकली हमने व्हाइट लाइट नाम दिया था ना उसको, जो भी है सनलाइट है, ठीक है ना, व्हाइट लाइट. फिर यहां से ये क्या होती थी, सेवन कलर में स्प्लिट होती थी, इसका डिस्पर्जन हो जाता था बेसिकली, ठीक है. बट यहां क्या हुआ, अब यहां तो किसी की वेवलेंथ भाई साहब नहीं, जिसकी वेवलेंथ कम भी है वो भी स्कैटर नहीं हो पाएगा. तो बेसिकली यहां पर जितने कलर स्कैटर हुए होंगे टोटल सेवन कलर्स, वो एक बना देंगे, मतलब व्हाइट कलर, क्योंकि जिस कलर से वो निकले होंगे उसी की फॉर्म बना देंगे बेसिकली. तो सारे कलर इक्वली स्कैटर करेंगे
तो हम उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि ये रेड है, ये वायलेट है, येलो है, ग्रीन है, इंडिगो है, ऑरेंज है, जो भी है। तो इसलिए ये हमें क्या करते हैं, व्हाइट कलर की सेंसेशन प्रोवाइड करते हैं। ड्यू टू दैट पर्टिकुलर रीजन क्लाउड अपीयर्स व्हाइट। तो यही कारण होते हैं कि जो बादल होते हैं हमें सफेद क्यों दिखाई पड़ते हैं। देखिए इतने जो नेचर है इस तरह बनाई गई है कि उसके पीछे साइंस का कोई ना कोई रीजन छिपा ही हुआ है अगर हम अच्छे से स्टडी करें तो। देखिए कितनी ये बड़ी बात होती है साइंटिस्ट के लिए खोज करना, ये भी किसी ने पता लगाया हुआ है भी ऐसा क्यों होता है बेसिकली। सो नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज आल्सो इंटरेस्टिंग एग्जांपल भाई साहब, रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। अब जब आप सुबह मॉर्निंग में आप उठते हैं सूर्योदय के टाइम, एट द टाइम ऑफ सनराइज, तो आप देखते हैं जो सूर्य होता है उसका रंग हमें लाल सा दिखाई पड़ता है, पूरी तरह भी लाल नहीं होता बट रेडिश कलर मिक्स होता है, रेडिश एंड ऑरेंज, रेड एंड ऑरेंज मिक्स टाइप होता है। और जब दिन हो जाती है, मतलब कि जब आपका नून हो जाता है 12 बजे के करीब करीब या दोपहर का जो टाइम होता है उस टाइम वो येलो कलर का दिखाई पड़ता है, येलोइश कलर का, उस टाइम रेड नहीं रहता वो बेसिकली। और सनसेट जब सूरज क्या होता है अस्त होता है, सनसेट होता है, तब भी आपको वो लाल रंग का दिखाई पड़ता है, रेडिश कलर। ऐसा क्यों है भाई साहब, चलिए इसका रीजन देखते हैं। ये बोलता है इट इज ड्यू टू द रीजन दैट एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज सन एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ ड्यू टू मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ रेड कलर दिस डिस्टेंस कैन बी अचीव्ड बाय द रेड कलर देयरफॉर सन अपीयर रेडिश एट टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज। अब देखिए क्या होता है बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक अर्थ जो है ड्रॉ की हुई है, यहां पर सन सनराइज के टाइम है, मान लीजिए इसको हम ईस्ट मान ले देते हैं, इसको ईस्ट मान लिया हमने और इसको वेस्ट मान लिया, ओके। अब देखिए बेसिकली जब सनराइज होता है तो बेसिकली उस टाइम पर जो सन का अर्थ से डिस्टेंस होता है वो ज्यादा होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस पर होता है, ठीक है। जबकि जब सन धीरे धीरे यहां बढ़ता है आगे, जब नून आती है ठीक सिर के ऊपर सन होता है, तो उस टाइम जो इसका मतलब कि डिस्टेंस है बेटा, मतलब डी जो इसका डिस्टेंस है वो कम हो जाता है बेसिकली, वो कम होता है एज कंपैरिजन टू सनराइज। और जब सनसेट होता है तब भी बेटा डिस्टेंस मैक्सिमम होता है। अब आप एक बात यहां से समझिए, कोई चीज होती है ठीक है ना, जितनी वो दूर चीज होती है उतनी वो छोटी दिखाई पड़ती है, और उसमें से देखिए आप जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, जिस कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है वही हमें दूर से दिखाई पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी स्कैटरिंग नहीं होगी। स्कैटरिंग का मतलब है कि वो फैलेगा नहीं पूरी तरह से, एक बिंदु हमें दिखाई पड़ेगा उस टाइम, एक हमें बिंदु दिखाई पड़ेगा क्योंकि डिस्टेंस भी मायने रखता है। तो बेसिकली जब इसकी वेवलेंथ यहां पर मैक्सिमम है रेड की एट द टाइम ऑफ सनराइज तो इसकी स्कैटरिंग भी कम होगी, मतलब रेड कलर स्कैटर नहीं कर पाएगा, तो ड्यू टू दैट रीजन हमें कलर उस टाइम रेड दिखता है। एक पर्टिकुलर चीज जो स्कैटर नहीं कर पाती वो दूर से हमें दिख जाती है, रेड सिग्नल्स का भी ऐसा ही फंडा होता है, ठीक है ना। अब जब नून होती है तो सूर्य थोड़ा नजदीक होता है, वेवलेंथ घट जाती है, स्कैटरिंग बढ़ जाती है। जब वेवलेंथ कम हो गई स्कैटरिंग बढ़ गई तो बेसिकली क्या होता है वो हमें कलर अपियर नहीं होगा, स्कैटर कर जाएगा। Due to that particular reason, the sun appear reddish at the time of sunrise and sunset. अब आप सोचेंगे यार सूर्य तो स्थिर होता है, घूमती तो पृथ्वी है, बात एक ही है। देखो जैसे मान लीजिए ये मैंने अर्थ बना दी, ये मैंने सूर्य बना दिया, मतलब ये छोटा दिख रहा है अर्थ से, ठीक है ना। तो बेसिकली अर्थ जो है रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, मतलब कि अर्थ जो है वेस्ट से जो है इस तरह से
इस तरफ रोटेट करेगी, ठीक है ना। बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अर्थ जो है रोटेट करती है आपकी, ठीक है ना। तो नाउ जैसे जैसे मान लीजिए ये सूरज तो यहीं पर रहेगा, सूरज थोड़ी ना घूमेगा। अब जैसे जैसे अर्थ क्या कर रही है, रोटेट बेसिकली कर रही है। बेसिकली जब ये जो अर्थ है जब ये रोटेट कर रही है आपकी, तो जैसे आप यहां पहुंचेंगे ईस्ट की तरफ, तो बेसिकली क्या होगा, आप सोचेंगे यार सूरज आ रहा है, सूरज दादा निकल गए। तो जैसे जैसे पृथ्वी घूमती जाएगी घूमती जाएगी, और जैसे ही आप यहां पर पहुंच जाएंगे तो यहां इसका ईस्ट हो जाएगा, यहां वेस्ट हो जाएगा। अब आप बोलेंगे कि सूर्य हमारे से ठीक ऊपर है, फिर जैसे जैसे पृथ्वी फिर से घूमेगी तो वेस्ट यहां आ जाएगा, और आप सोचेंगे कि सूरज अब अस्त होना शुरू हो गया है। तो इन्हीं पर्टिकुलर रीजंस की वजह से हमें जो है ड्यू टू मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ रेड कलर क्या कर लेता है, उस डिस्टेंस को अचीव कर लेता है, हमें दूर से दिखाई पड़ता है वो लाल। तो इन्हीं कारणवश जो है सूरज जो है सनराइज, सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय लाल हमें दिखाई पड़ता है। अब एक अगला क्वेश्चन भी सेम है, भाई जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं वो लाल क्यों बनाए होते हैं, ड्यू टू द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ रेड कलर। जब मैक्सिमम वेवलेंथ होगी तो स्कैटरिंग क्या होगी, कम होगी, वो फैल नहीं पाएगा, तो हमें वो चीज दूर से दिख जाएगी। तो ड्यू टू दैट पर्टिकुलर रीजन दीज सिग्नल्स आर इन रेड कलर। तो ये था आपका डिस्पर्जन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सो हमारा जो है चैप्टर होता है ओवर। सो गाइज थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। Thank you and have a nice day. Best of luck.